सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज साइन गोस। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहां पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड पैटर्न हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनको इंट्राडे के लिए हम अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले बैंक निफ्टी का स्टडी करेंगे। यहां हमने कहीं ना कहीं स्टडी किया था लास्ट वीक में कि सर अगर ये कैंडल मंडे को फॉर्म हुआ था, मैंने आपको पूछा भी था ये कैंडल कौन सा है, इस कैंडल ने अपना बहुत अच्छी तरह से अपना काम कंप्लीट किया। अब देख लो हमने लास्ट दिन क्या डिस्कस किया था कि अगर इस लो के नीचे मार्केट आता है तो स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देगा, तो एग्जैक्टली मार्केट अपने सपोर्ट तक आ चुका है। जितने भी एक्सपेक्टेड टारगेट थे इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया। और अगर हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में इस लो को भी ब्रेक कर रहा है तो इंस्टेंट यहां तक सेलिंग आ सकता है, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे फिलहाल के लिए थोड़ा कम लग रहा है। यहां तक अगर मार्केट फॉल करता है मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट में है जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज पे जरूर होगा। वैसे भी जो फॉलिंग हम बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पे सेलिंग आ रहा है, मेनली आपका जो प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट बैंक के साथ कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, जिसकी वजह से आज हमें बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला एकदम सुबह सुबह से। राइट, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं कि कल का क्या प्लानिंग हो सकता है। आज का जो प्लानिंग होगा उसके लिए मैं टेलीग्राम एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर बाद ही, जब वीडियो बना रहा हूं इसके थोड़ी देर बाद मतलब एक्सपेक्टेड 5 PM के आसपास मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, जहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आज कहां पे ट्रेड पैन हो सकता था निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में। राइट, बहुत अच्छा फॉल आज देखने को हमें मिला। अब एक बात तो एकदम क्लियर है कि अभी बायर्स एग्रेसिवली यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं उनको अपना पैटर्न चाहिए। जब तक उनको अपना पैटर्न ना मिले, जब तक अपना प्राइस एक्शन ना मिले, वो एंट्री नहीं करेंगे। हर बार बायर यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिखाएगा, सेलर अपना स्ट्रांगनेस या अपना पावर दिखाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मार्केट कल थोड़ा सा भी गैप ओपनिंग होता है अगेन मार्केट में सेलिंग आने का चांस बना रहेगा। पॉइंट, चलो अब ध्यान से देखते हैं कि कौन सा लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपसाइड में यहाँ पे एक लेवल आप ड्रॉ कर सकते, दैट इज अराउंड 44,900 के आसपास। ये एक लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा कल के लिए, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। देखो तीन टाइप का मेनली ओपनिंग होता है, गैप अप, साइडवेज, गैप डाउन। अनएक्सपेक्टेड अभी तक गैप डाउन ही हो रहा है कंटिन्यू दो दिन से। अगर गैप अप ओपनिंग होता है कहीं ना कहीं सीधा 200 या 300 पॉइंट गैप अप कहां ओपन हो सकता है यहां पे, क्या होगा यहां पे आप बताओ, आप सोचो। बस प्राइस एक्शन स्टडी करो, ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है, अगर गैप अप होता है तो ऑब्वियसली सेलर अपना पावर दिखाने की कोशिश करेगा, तो बस हमें फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखना है। अगर उसका लो ब्रेक करता है तो इमीडिएटली हम सेलिंग सेंटीमेंट के लिए जा सकते हैं, मतलब बीयरिश सेंटीमेंट के लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये पूरा वीडियो ऑब्वियसली एक एनालिसिस वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो प्लीज जो भी अपना ट्रेड प्लान कर रहे हो अपने हिसाब से करना और एनालिसिस भी अपना ही करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे एनालिसिस से आप तो एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लोगे वहां पे टोटली आपका कंट्रोल होना चाहिए। प्लीज किसी भी ट्रेड में लॉस एक्सेसिव मत लेना, प्रॉफिट भी कर रहे हो अपने हिसाब से प्रॉफिट करना, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमने स्टडी किया कि गैप अप के बाद हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं डेफिनेटली। आज ये एकदम फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 44,600 लेवल, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वी माइट गेट अ फॉल टिल 44,400 एंड 44,200, यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है। अब इसमें मैं देखो कुछ नहीं बोल सकता, अगर मार्केट फॉल करता है, क्यों फॉल कर रहा है, डजंट मैटर, प्राइस एक्शन मिल रहा है तो उसमें ट्रेड ले सकते हो। फाइन, चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होता है क्या करना है। एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, एकदम प्रीवियस प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या हो रखा है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था और मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। अब बायर तो ऑब्वियसली एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए, बायर को एंट्री करने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के फिर 900 के ऊपर सस्टेन करना है, 44,900 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, साथ ही साथ 45,000 में ब्रेक होता है देन यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम आ सकता है, मतलब बाइंग आने से यहीं से आएगा, एकदम बीच रास्ते से बाइंग आने का चांस थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि आज सेलर बहुत ज्यादा एंट्री किए बैंक निफ्टी में। फाइन, अच्छा जो प्राइस एक्शन आपको दिखाना चाहता था उसको 30 मिनट में दिखा दूं। देखिए ये पर्टिकुलर लेवल जहां पे मार्केट एंट्री कर रहा है दिस इज अ नो ट्रेड जोन, तो अगर सेलिंग आता है कंटिन्यू तो सेल हो सकता है, बट अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होता है तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है मार्केट, ठीक है। वापस आते हैं 15 मिनट में, हमने देखा कि एक नो ट्रेड जोन के आसपास है, मतलब साइडवेज मार्केट बहुत ज्यादा गया, तो इफ यू गेट अ गैप डाउन ओपनिंग, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है 200 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग, एक ही हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जो आज के दिन देखने को मिला था एकदम इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड आता है, यहीं से रिजेक्शन बना के फॉल करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम सेल एंट्री ले सकते हैं, मतलब बीयर सा कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिगर टारगेट के लिए बैठेंगे, मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन करेंगे दैट विल बी मिनिमम 1:1। ओके, आई होप क्लियर हो गया, गैप डाउन का क्लियर हो गया, आई थिंक मैंने बताया नहीं। ओके, साइडवेज का था कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद 600 के नीचे सस्टेन करता है, 44,600 के नीचे हम यहाँ पे बीयरिश सेंटीमेंट देख सकते हैं, बीयरिश सेंटीमेंट मूव मिल सकता है। अपसाइड में थोड़ा ट्रिकी होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता भी है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऊपर से हम सेलिंग करने का सोचेंगे, तो बाइंग मतलब बुलिश का कोई अपॉर्चुनिटी फिलहाल अभी नहीं देखना है, जब तक मार्केट प्रॉपरली
24,900 या 45,000 के ऊपर ना जाए। ओके, आई होप यहाँ तक डिटेल में आपको डिस्कशन समझ आया। अब क्विकली एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं। देखो निफ्टी ने क्या किया, आज खोलते सबसे पहला कैंडल रेड, लो ब्रेक हुआ तो बिंदास बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला, फिर मार्केट रिट्रेस करके अगेन फॉल किया। अब लास्ट दो तीन घंटा मार्केट टोटल साइडवेज गया। यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी का आज एक्सपायरी था, एंड एक्सपायरी अगर आपने डेटा ध्यान से देखा हो तो 19,700 में बहुत ज्यादा बायर्स बैठे थे, 19,750 में बहुत ज्यादा सेलर बैठे थे, जिसकी वजह से मार्केट टोटल अंदर ही अंदर एक्सपायर कर गया। फाइन, चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट दिन दैट इज ऑन टुमारो क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखो डिपेंड करता है मार्केट को कहां पे ओपन होता है। अगर हमने देखा कि मार्केट डायरेक्ट ओपन हो रहा है 19,800 लेवल, अगर यहां मार्केट ओपन होता है एकदम सिंपल हो सकता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट आपको एक अलर्ट रखना है 19,750 के आसपास। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो बिगर सेल टारगेट मिलेगा, मगर अगर इसके ई पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर भागता है 19,800 को अगर अपसाइड ब्रेक करता है देन यहाँ पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टिल 19,880 टू 19,900 लेवल। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था गैप अप का सीन। अब हम देखना है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो क्या करना है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। डाउनसाइड में 19,700 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाए तो एक बेयरिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 40-50 पॉइंट का, और अगर ये अपसाइड में 770 के ऊपर सस्टेन करता है 19,770 के ऊपर तो एक बुलिश फॉर्मेशन हमें मिल सकता है। बुलिश का ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं, अगेन 40-50 पॉइंट का मोमेंटम इजी हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। देखो गैप डाउन के लिए आपको सपोर्ट लेवल देखना पड़ेगा। निफ्टी के पास एक सपोर्ट लेवल यहीं पे है, दैट इज अराउंड 19,640 लेवल। तो अगर हम देखा कि मार्केट सीधा 80-90 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो बेस्ट केस सिनेरियो अब देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बनता है। ऑब्वियसली इसका प्राइस एक्शन अभी बोलना थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि ज्यादा गैप डाउन में कुछ मार्केट साइडवेज ज्यादा जाएगा। स्लाइट गैप डाउन अगर ये लो ब्रेक करता है तो बीएलएस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट बिगर गैप डाउन के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड लेना। तो डेफिनेटली उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना क्योंकि वहीं पे डिटेल में एनालिसिस में पोस्ट करने वाला हूँ कि क्या ट्रेड प्लान आप लोग का हो सकता है अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड अगर ओपन होता है। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम ज्वाइन करने का एक और रीजन बता देता हूँ कि एवरी डे सुबह 9:30 बजे आपको डिटेल में डिस्कशन करके बताता हूँ कहाँ पे क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, मार्केट कैसे सेंटिमेंट कर रहा है। तो प्लीज जो भी एनालिसिस बता रहा हूँ वहां पे अपना भी लर्निंग लीजिए, आंख बंद करके किसी एनालिसिस को विश्वास मत करना बिकॉज मैं भी हमेशा करेक्ट नहीं होता, बट कोशिश करता हूँ कि 80-90% एक्यूरेसी मेंटेन करने का। तो आज भी इंडेक्स में पर्टिकुलरली आपको मैंने डिटेल में बताया था कि मार्केट बियरिश लग रहा है, चांसेस आर वेरी मच लेस कि मार्केट ऊपर जाएगा, और वही हुआ। अब किस हिसाब से लगा, डेटा एनालिसिस हिसाब से लगा, हमने डेटा स्टडी किया था पूरे वीडियो पे। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरह एक बार देख लेना जो 9:36 के आसपास मैंने वीडियो पोस्ट किया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने एनालिसिस कर लिया हमारा इंडेक्स, अब कुछ स्टॉक एनालिसिस करेंगे। स्टॉक में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो भी लाइक कर देना। राइट, अगर इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक का पेज भी जरूर लाइक कर देना। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टॉक आज हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज बिरला सॉफ्ट। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत अच्छा बुलिश रैली दिया था, ये कंटिन्यू सेप्टेम्बर स्टार्टिंग से धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। अब आज का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या इस कैंडल को ब्रेक करके यहीं से बुलिश मूव दे दे, या यहीं पे मार्केट साइडवेज होकर थोड़ा सा बेरीज आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, एक बार देखते हैं 15 मिनट में क्या फॉर्मेशन हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट बताना कि इस पैटर्न का नाम क्या है, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड, ये पैटर्न बुलिश पैटर्न है बेरिश पैटर्न है, आप लोग मुझे कमेंट में ध्यान से बताना। चलो अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर कल हमें ये स्टॉक 496 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है और इस लेवल के ऊपर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तब जाके कोई हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं या बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये स्टॉक 490 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बेरिश सेंटीमेंट का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट होगा आज का जो लो था अप्रोक्स यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है, और इसके नीचे मार्केट जाता है तो बिगर टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक और बार डिस्क्लेमर आपको बता देता हूँ, प्लीज जो भी एनालिसिस यहाँ पोस्ट किया जा रहा है दिस इज आवर व्यू, दिस इज आवर एनालिसिस। अगर आप कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या कहीं पे कोई ट्रेड कर रहे हो, कोई बाय सेल कर रहे हो, तो वो आपका ही टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस एंड प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक बिरला सॉफ्ट। अगला स्टॉक यहाँ पे होगा दैट इज महिंद्रा। महिंद्रा डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, एक छोटा सा लर्निंग देना चाहूंगा यहाँ पे। आप लोग मुझे बताना कि इस सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा अपसाइड मूव आया और वापस रेंज के अंदर चला गया, वापस रेंज के अंदर आ गया। अब क्या चीज होने का चांसेस ज्यादा है, मैक्सिमम चांस यही है कि स्लो एंड स्टडी नीचे आ जाएगा। इस सिनेरियो को हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। जब भी कोई फेक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपोजिट में बहुत ज्यादा रैली करता है, फिर भी इसके पास यहाँ पे सपोर्ट है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ आके शायद से थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है। उसी हिसाब से अगर हमें ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए तो क्या प्लानिंग हो सकता है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ
पर देखेंगे अप्रोक्स 12:30 बजे के आसपास से मार्केट टोटल कंसोलिडेट कर रहा था, एक भले लो बनाया बट कंसोलिडेट लेवल के आसपास ये था, ठीक है। तो कल ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर कल ये स्टॉक 1590 लेवल के ऊपर मिलता है और कोई बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये 1575 के नीचे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम बेरिश का ट्रेड पैन यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। ऐसे भी आपको देखा कि डेली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेड कलर कैंडल बना है और अगर कल भी ये लेवल ब्रेक होता है तो बिगर फॉल हमें देखने को मिल सकता है, राइट। अच्छा, जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो या तो स्टॉक हो या निफ्टी बैंक निफ्टी हो, हर बार आपको मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, मतलब जो रिस्क रख रहे हो मिनिमम उतना ही रिवॉर्ड लेके मार्केट से निकालना है, ओके। चलो अब अगला स्टॉक स्टडी करते हैं। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक बार डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, दिस इज कॉल्ड कौन सा कैंडल, मैं नहीं बता रहा, आप लोग मुझे कमेंट बताओ इस पर्टिकुलर कैंडल का नाम क्या है जिसने ऊपर की तरफ इतना बिगर साइड हो दिया। और उसके बाद ये कैंडल क्या कर रहा है, ये कैंडल ऑलमोस्ट उसको कंफर्म कर रहा है, उसका मोमेंटम कंफर्म कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी डेली कैंडल इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो वी माइट सी अ बिगर फॉल, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो मूवमेंट आने का चांसेस है। ये कौन सा लेवल है, 993-995 तक के लिए मार्केट आराम से मूवमेंट कर सकता है। तो एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं कि अभी कहां मार्केट ने ऑब्जर्वेशन किया, कहां पे क्लोजिंग दिया। देखो अगेन ये भी कंसोलिडेट कर रहा था 12:30 बजे के आसपास से, कल बस एकदम ऑब्जर्व करना है कि अगर ये स्टॉक हमें कल नीचे की तरफ मिलता है 1012 के नीचे और कोई बियरिश ट्रेड पैन होता है, बियरिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो हम ऑब्वियसली बियरिश के लिए जा सकते हैं। अपसाइड में थोड़ा सेफ चलना पड़ेगा, अगर ये प्रॉपरली 1020 के ऊपर सस्टेन करता है तो कोई बुलिश ट्रेड पैन यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दो लेवल आपको बताया गया, 1012 के नीचे बियरिश प्लानिंग, मतलब ऐसा नहीं किया आ गया उसके नीचे 1010 के अंदर आसपास ट्रेड करा बोल के सेल कर दो, नहीं, फर्दर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन होना चाहिए तभी जाके वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो ये यहाँ तक थे हमारे तीन स्टॉक, एक लास्ट स्टॉक है उसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको लर्निंग मिलेगा। इस पैटर्न को फर्स्ट पैटर्न में भी स्टडी किया था फर्स्ट चार्ट में, तो सेम पैटर्न यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन आपसे रिपीट क्वेश्चन है कि प्लीज इन पर्टिकुलर पैटर्न का नाम बताना। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे 1296 to 1297 लेवल, 1297 लेवल। अगर ये स्टॉक कल के दिन 1296 या 1297 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलता है, कोई प्रॉपर बुलिश पैटर्न बनाता है, देन वी माइट गेट अ बुलिश ट्रेड पैन। और डाउन साइड में अगर इस लेवल के नीचे आता है, दैट इज अराउंड 1283 लेवल, 1283 के नीचे सस्टेन करता हुआ मिलता है और कोई बेयरिश ट्रेड पैन बनाता है तो वी माइट गेट अ टारगेट अप टू दिस लेवल। जो भी ट्रेड हमें लेना है मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, देखो दो तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लास्ट दिन देखा था बहुत लोगों ने एकदम डिटेल में बताया था, मेनली 3 से 4 कमेंट ऐसे थे जिन्होंने डिटेल में बताया था, तो वो कमेंट देखे मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ आप कहीं ना कहीं आप स्टडी कर रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है मार्केट, आप अपना एनालिसिस भी पोस्ट कर रहे हो। तो यहाँ भी आप लोग मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है और ये छोटा वाला पैटर्न क्या है। तो हमने देखा कि पैटर्न के अंदर ही पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये पैटर्न काम किया तो बहुत अच्छा रैली अपसाइड में देखने को हमें मिल सकता है। तो प्लीज इस स्टॉक को जरूर अपने वॉचलिस्ट में रखना। फिर मिलते हैं अगले दिन में। थैंक यू वेरी मच।